तरह की नॉर्मल फटी पुरानी वीडियो को आप लोग एचडी क्वालिटी में किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि इस तरह की वीडियो में कैसे कन्वर्ट सकते हैं। जो भी आ रहा है वो गंदा गंदा आ रहा है, आपका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और आप लोग उसको अच्छा कैमरा क्वालिटी से भी बेहतर एच के वीडियो बनाना चाहते हो, 4K वीडियो बनाना चाहते हो, HD क्वालिटी में वीडियो अपना बनाना चाहते हो, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत है नहीं, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक देखते देखते आपका वीडियो भी जो HD क्वालिटी में बन जाएगा, यानी कि मेरे तरह, यानी कि मेरा आप लोग वीडियो देख सकते हैं। पहले मैं प्रूफ दिखा दूं, मेरा वीडियो पहले ये इस तरह का था और फिर उसको मैंने जो इस तरह का बना दिया बिल्कुल HD क्वालिटी में। आप लोग इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि मैंने भी जो किस तरह से एडिटिंग किया, मेरे पास भी ज्यादा जो अच्छा फोन नहीं है, तो मैंने इसको जो इस तरह से वीडियो को इस तरह से बना दिया HD क्वालिटी में। आप लोग भी इस तरह से जो HD क्वालिटी में बना सकते हैं बिल्कुल भी। और आज के समय में आपको पता है कि कंपटीशन कितना हाई है, कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए आपको बिल्कुल क्वालिटी वाला वीडियो चाहिए, और वो क्वालिटी वाला वीडियो आप लोग एडिट करके बना सकते हैं। आपके पास भले ही फोन जो छोटा है, बिल्कुल कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन उसको आप लोग एडिट करके अपने वीडियो को शानदार बना सकते हैं, बिल्कुल आईफोन की तरह आपका वीडियो जो चमकेगा। और देखो आईफोन में भी वीडियो जो उसको भी एडिट करना ही पड़ता है, लेकिन मैं आपको अपने इस ट्यूटोरियल के बारे में बताऊंगा जो कि छोटे यूट्यूबर्स का जो मेन प्रॉब्लम होता है, वीडियो जो बद्दा आता है, पीछे जो अच्छा नहीं दिखता है बिल्कुल भी, तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपके मोबाइल में अगर काइनमास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो काइनमास्टर अभी डाउनलोड कर लो, और मैं आपको दिखाऊंगा कि काइनमास्टर के अंदर ही आपको सिर्फ एक मिनट के अंदर अपनी वीडियो को जो फिल्टर विल्टर लगा के कौन सा फिल्टर लगाना है, किस तरह से एडिट करना है, बिल्कुल पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, दिखाते हैं कि किस तरह से आपको वीडियो को सबसे पहले आपको आ जाना अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना गाइस। काइनमास्टर ओपन करने के बाद में आपको गैलरी में से वो वाला वीडियो चूज कर लेना जिसका आप लोग जो है कैमरा क्वालिटी अच्छा बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ पर अपना जो रेशियो वगैरह सेट करके अपना जो भी कैमरा से जो भी अपना, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि मैं भी इसी तरह से एडिट करता हूँ, लेकिन मैं आपको गाइज एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो क्लिप लेकर के दिखाने वाला हूँ कि उस वीडियो क्लिप को आप लोग किस तरह से एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई भी वीडियो किसी भी पुराने फोन से अगर आपने रिकॉर्ड किया ना, उसको भी आप लोग बड़ा इजी तरीके से एडिट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर अपने वीडियो को जो स्प्लिट यानी कि कट वट मार के जहाँ से आपको पूरा जो एडिट करना है, कट वट लगा के उसको एडिट कर लो पहले, उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको उस वीडियो को जो बिल्कुल HD क्वालिटी में आपको कन्फर्म जो यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना है, थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से अपने वीडियो को जो ऐसी वीडियो को पुरानी वीडियो को जो बिल्कुल कलरफुल बनाना, यानी कि आप लोग ऐसी वीडियो को देख सकते हैं कि इसके पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना ही ग्रीन आ रहा है, ना ही कुछ भी, यानी कि वो होता ना वाइट ब्लैक वाइट वैसा इसका जो कलर वगैरह लग रहा है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ग्रीन वाइट वगैरह पूरा कलर दे दूंगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडजस्टमेंट वाला, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। आपको सबसे पहले ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको जो उसको ऊपर से पकड़ के उसको आपको 10 नंबर तक आगे ले लेना है, ठीक है, पीछे नहीं आगे लेना है 10 नंबर। उसके बाद में आपको नीचे आएगा कॉन्ट्रास्ट वाला, इसको आपको 30 नंबर आगे लेना है, और उसके नीचे आएगा सैचुरेशन वाला, ठीक है, इसको आपको 25 कर देना है, और इसको आपको करके छोड़ देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से सिंपली से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद में आपको जस्ट इसके ऊपर दिखाई देगा फिल्टर, इस पर जैसे आप लोग टैप करोगे फिल्टर वाले पे तो आपको सबसे नीचे जाना है, और नीचे से सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा कोल्ड वाला, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही टैप करोगे कोल्ड वाले पर तो ऊपर आपको CO1 CO2 CO3 CO4। अब आप लोग CO2 एक ऐसा है फिल्टर जो कि बहुत ही बढ़िया यानी कि बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं मैंने CO2 ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल बैकग्राउंड चेंज, और उसको हटाया तो बिल्कुल बैकग्राउंड पहले जैसा, यानी कि बिल्कुल जो कैमरा क्वालिटी है उसका चेंज कर देता है, जैसे कि अभी जो कैमरे से ही शूट किया हुआ ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 करके इसको आपको छोड़ देना है, और सिंपली से आ जाना है बाहर। बाहर आकर के आप लोग देखोगे कि आपका वीडियो पहले से जो 100 गुना जो है कैमरा क्वालिटी इसका जो अच्छा होगा, यानी कि HD क्वालिटी में होगा। इसका बैकग्राउंड देखो पीछे, और आप लोगों के कपड़े वगैरह, आपका शरीर बॉडी, यानी कि बिल्कुल हर चीज़ जो है
कलरफुल लगने लग गई, HD क्वालिटी में बन गई है, क्योंकि पहले जो थी वो बिल्कुल जो गंदी गंदी लग रही थी, यानी कि वाइट वाइट ऐसी लग रही थी। अभी आप लोग इसका बैकग्राउंड देखो, आप अपने कपड़े देखो, अपना शरीर देखो, ठीक है, बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका पूरा। तो आप लोग भी अपनी अगर वीडियो ऐसी है, अगर आपके पास में कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप लोग उसको अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज करके अपने जो कपड़े वगैरह अच्छे कर सकते हो। पहले आप लोग देखो वीडियो ऐसी लगती थी, और अभी आप लोगों को मैं दोबारा इसी को फिल्टर लगा के दिखाता हूँ कैसी हो जाती है। यानी कि पूरी आज के समय में जो कैमरा क्वालिटी वीडियो में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, और बहुत सारे नए यूट्यूबर होते हैं जिनके पास में जो कैमरा बिल्कुल होता नहीं है, तो उनका जो बेचारों का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, और आपको फिर इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, एक्सपोर्ट आपको फुल 180p में करना है, 1080 में, और इसका आपको फ्रेम रेट जो 30 ही रखना, और उसके बाद में आपको कर लेना नीचे जो लो हाई वाला लाइन है इसको आपको पूरा हाई करके इसको सेव टू एक्सपोर्ट में कर देना है, तो भी आपका वीडियो क्लियर रह जाएगा।